हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सब कुछ जानेंगे इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। तो चलिए समझते हैं। तो आइए समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन उसे बोलते हैं जब कोई लाइन को कोई दूसरी लाइन किसी पॉइंट पे टच करता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, इसका नाम हमने रख दिया ए बी। इसको कोई दूसरी लाइन कट कर रही है पॉइंट ओ पे और इसका नाम है सी डी। तो ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है। ए बी को सी डी वाली लाइन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। और अब समझते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन उसे बोलते हैं जो किसी भी पॉइंट पे टच नहीं होती और कट नहीं करती, कटती नहीं है, उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जो पैरेलल लाइन होती है उसी को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जो पैरेलल लाइन होती है उसी को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो जो पैरेलल लाइन होती है वही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो मान लो इसका नाम हमने रख दिया ए बी और इसी के पैरेलल में लाइन है दूसरी वाली सी डी, ठीक है। तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये वाली लाइन चाहे जहां तक इनफाइनाइट तक चली जाए, इस लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट राइट साइड में दोनों लाइन अगर चली जाए तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या तो पैरेलल लाइन, या तो पैरेलल लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग या तो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पर नहीं। पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है, मेंटेन होता है। अगर इन दोनों लाइन ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है तो ये लाइन चाहे जहां तक जाए हर जगह उसके बीच जो डिस्टेंस रहेगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा। अगर इसके बीच दोनों लाइन के बीच अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो हर जगह लाइन इनफाइनाइट तक चाहे जहां तक जितनी भी लंबी चली जाए इसके बीच जो डिस्टेंस रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर दोनों लाइन के बीच 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो लाइन चाहे जहां तक चली जाए हमेशा इसका डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, हमेशा 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही रहेगा। तो ये जो लाइन है एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या तो कह सकते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग या तो पैरेलल लाइन। अब आई बात मुझे देखिए, बात समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय।